इसराइल पर हमास के हमले ने सारी दुनिया को हिला कर रख दिया। लेकिन सबसे हैरानी की बात तो ये है कि इजरायली खुफिया एजेंसियां मोसाद, सिनबेट और मिलिट्री इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट, जिन्हें दुनिया की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसी माना जाता है, उन्हें इस हमले की खबर नहीं लगी। किसी ने ये सपने में भी नहीं सोचा था कि इजरायल पर इतना बड़ा आतंकी हमला हो सकता है। इजरायल के अधिकारियों को भी इस हमले की भनक तक नहीं थी। अगर इजरायली खुफिया एजेंसियों की बात की जाए तो शिनबेट, इजरायली घरेलू खुफिया सर्विस, मोसाद और इजरायली सेना को मध्य पूर्व में सबसे व्यापक और ताकतवर इंटेलिजेंस एजेंसियां माना जाता है। इन एजेंसियों के फिलिस्तीनी आतंकवादी समूहों के साथ साथ लेबनान, सीरिया और अन्य जगहों पर भी मुखबिर और एजेंट हैं। इजरायली खुफिया एजेंसियों ने पहले भी आतंकवादी संगठनों की सभी गतिविधियों की जानकारी रखते हुए उनके नेताओं की सटीक समय पर हत्याएं की थी। वहीं मोसाद को तो दुनिया की सबसे शक्तिशाली एजेंसी माना जाता है। कहा जाता है कि जो काम अमेरिका नहीं कर पाया उसे मोसाद ने कर दिखाया। ये एजेंसी अपने दुश्मनों को घर में घुसकर मारने में यकीन रखती है। अगर मोसाद के ऑपरेशन की बात की जाए तो ईरानी परमाणु वैज्ञानिक का खात्मा, ईरान के सैन्य परमाणु कार्यक्रम के वैज्ञानिक ब्रिगेडियर जनरल मोहसिन फकरी जहादेह का नवंबर 2020 में मर्डर कर दिया गया था। हालांकि मोसाद ने तब इसकी जिम्मेदारी खुले तौर पर नहीं ली, लेकिन जून 2021 में मोसाद के मुखिया ने इसे लेकर अहम खुलासे किए थे। 1976 का ऑपरेशन थंडरबोल्ट, अरब के आतंकियों द्वारा हाईजैक फ्रांसीसी विमान को मोसाद अपने 94 नागरिकों के साथ युगांडा से मुक्त कराकर लाई थी। ये ऑपरेशन काफी मशहूर हुआ था। 1972 रेत ऑफ गॉड, 1972 में म्यूनिक ओलंपिक के लिए एकत्र इजरायली ओलंपिक टीम के 11 खिलाड़ियों को बंधक बनाकर उनकी हत्या कर दी गई थी, जिसका बदला फिलिस्तीनी आतंकियों से लिया गया। ये ऑपरेशन करीब 20 सालों तक चला और मोसाद ने सभी आतंकवादियों को चुन चुन कर मारा। 1960 में रूसी मिग 21 को इसराइल लाना। एक दौर में सोवियत संघ रूस का मिग सबसे उन्नत लड़ाकू विमान माना जाता था। इसे पाने में जब अमेरिका की CIA भी विफल रही तो मोसाद की महिला एजेंट ने 1962 में ये कारनामा भी कर दिखाया। हालांकि 1962 में इसी मिशन पर एक मोसाद एजेंट को पकड़ा गया, जिसे फांसी दे दी गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि इजरायली खुफिया एजेंसियां हमेशा ही अपने दुश्मनों को कभी ड्रोन तो कभी मोबाइल फोन से फटने वाले बमों के जरिए ठिकाने लगाती रही हैं। कहा जाता है कि अक्सर इजरायली एजेंट अपने दुश्मनों की कार पर GPS ट्रैकर लगा देते हैं और उन्हें इजरायली मिसाइलें इतना सटीक निशाना बनाती हैं कि बचना नामुमकिन हो जाता है। लेकिन इस बार इन एजेंसियों का फेल होना इजरायल के लिए घातक साबित हुआ है। आपको बता दें कि दर्जनों हथियारबंद हमास आतंकवादी पहले गाजा पट्टी से इसराइल की सरहद पार कर अंदर घुसे और फिर आतंकी धमाकों से इलाके को दहला दिया। वहीं से ठीक पहले आतंकियों ने इसराइल पर 5,000 रॉकेट दागे थे। बताया जा रहा है कि इस हमले में अब तक 300 से ज्यादा इजरायली नागरिकों की मौत हो चुकी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।